बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम ओरियो का डेजर्ट बनाएंगे, बहुत मज़े का लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। ये देखिए, ओरियो के क्रम्स मैंने ले लिए थे, पैकेट मुझे मिल गया था। अगर आपके पास क्रम्स ना हो तो आप ओरियो के बिस्किट के को थोड़े से उसको क्रश करके उसके क्रम्स बना लें। ये हम निकाल लेंगे एक बाउल में। बहुत कम इंग्रेडिएंट में, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स में ये डेजर्ट बन जाता है, बहुत क्विक सा बनता है और बहुत ही डिलीशियस होता है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मेरे पास फ्रेश क्रीम है 1 कप। इसको हम अच्छे से व्हिप कर लेंगे, बिल्कुल चिल्ड रखी हुई है मैंने ये। अगर आपके पास चिल्ड ना हो तो आप नीचे किसी एक बाउल के अंदर आइस डालें और उसके ऊपर फिर रखें, उसको अच्छे से व्हिप कर लें तो क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप हो जाती है। तो ये देखिए चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट। इसको जो है मैं नीचे मैं बॉयल पानी के ऊपर रख के और इस दूध को जो है मेल्ट कर लूँगी। बस ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके अंदर और टेस्ट इतना लाजवाब कि आप खुद कहेंगे। बच्चे ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं। देखिए आधी क्रीम, आधी से ज़्यादा क्रीम जो है मैं पाइपिंग बैग में निकाल लूँगी, वो हम लेयर लगाने के लिए रखेंगे। और 1/3 पार्ट जो होगा क्रीम का, उसके अंदर हम चॉकलेट डाल के और उसको अच्छे से हम व्हिप कर लेंगे। इस तरह से हम रख लेंगे इसको। जब इसके अंदर चॉकलेट डाल के इसको दोबारा से हम इसको अच्छे से व्हिप कर लेंगे। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत सिंपल, इतनी इजी रेसिपी है, बहुत ही क्विक सी बन जाती है। देखिए मैंने अच्छे से इसको दोबारा व्हिप कर लिया है। अब हम इसको असेंबल करेंगे, देखिए ग्लास के अंदर। आप चाहे बॉल में इसको असेंबल करें, चाहे ग्लास में। मैं इसको ग्लास में कर रही हूँ। इस तरह से एक लेयर हम इसकी लगा लेंगे, चॉकलेट की जो हमने क्रीम मिक्स करी है। आप जितनी चाहे इसके अंदर लेयर लगाएं, 2 लेयर 3 लेयर जितनी चाहे आप लगा लें इसके अंदर। अब हम इसके अंदर ओरियो के क्रम्स डालेंगे, एक लेयर हम इसकी लगाएंगे। क्रम्स मोटे अच्छे लगते हैं तो इत्तेफाक से इसमें मोटे ही थे, वरना मैं इसको बारीक जो होते हैं फिर वो बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर हम ये क्रीम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर फिर एक लेयर लगा सकते हैं। हम इसके ऊपर इसके क्रम्स और थोड़े से इसमें स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से, जिस तरह से आप चाहें इसको डेकोरेट कर लें, ये आपके ऊपर है। और बस हमारा ये फाइनल टच है। जबरदस्त से हमारे ओरियो डेजर्ट तैयार हो चुके हैं और जितने खूबसूरत दिखने में लग रहे हैं उतने ही मज़ेदार खाने में भी हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे हैं। मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो एटलीस्ट 2 से 3 मिनट वॉच किया करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें। टिकटॉक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।